छोड़कर एक दिन छोड़कर तीन दिन हाँ फिर कंटिन्यूअसली हाँ क्योंकि देनी। वो 7 days हम सेपरेट के भी कवर कर लेंगे और एक दिन बीच में ब्रेक भी हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब वैसे नियोमैक और सेपरेट दोनों एक साथ ही देनी होगी ना, नहीं, मतलब एक सुबह कि एक रोज शाम तो को, वो। मान लीजिए सुबह आप सेपरेट दे रहे हो आज, तो शाम को न्यूमैक, ठीक, और केश स्किन 2 बार ओके, या 3 बार दिन में जो भी आपको समझ में तो लगाइए, सेपरेट भी 100 MG ये की एक ही देनी है एक ही देनी या है, दो? और ये 10 mg की है, और ये भी एक ही देनी ये 10 MG की है, है। यस ओके, ठीक है, ओके। एंड एनीथिंग एल्स सर? जी, एक और कंसर्न मेरा ये है कि ये मेरे जैसे मेरे भतीजे हैं, ठीक है, तो उनका भोगता काफी है, जैसे बंदा होगा ना तो उनके पास जाएगा, कूदने की कोशिश करेगा उनके ऊपर, ठीक है, और एग्रेसिवली भोगता भी है, उसमें से छोटा है जो उसके पास चले जाता है तो चुप हो जाता है, उसको सहलाएगा तो, लेकिन दूसरा वाला वो तो जाता ही नहीं डर के मारे, तो उसके ऊपर भोगता बहुत ज्यादा है। सर ये एज क्या है दोनों बच्चों की? एक की 6-7 साल है और एक की 4 साल, 3 साल, सॉरी। हाँ, तो ऐसा तो नहीं तो कभी जो जो छोटा वाला है 3 साल वाला, वो तो पास में चले, 3 साल वाला तो पास में चले जाता है, तो जब वो पास में चले जाता है तो चुप हो जाता है, वो उसको हाथ वाथ लगा लेता है छोटा वाला तो, लेकिन जब उसके ऐसा, ऊपर वो भी उछलने लगता है हाँ तो वो भी। सर देखो, डॉग की बार्किंग जो करता है ना, उसका भी एक मूड होता है कि वो अग्रेसिव कर रहा है या प्यार जताने की या क्या कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बड़े बड़ा बच्चा है उसने चाहे जाने जाने या एक्सीडेंटली डॉग को हर्ट किया हो? तो डॉग नहीं नहीं कभी नहीं भूलते नहीं नहीं है ऐसा कुछ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटे वाले पे भी भौंकता है, लेकिन जब छोटा वाला उसके पास चले जाता है तो चुप हो जाता है, ऐसा वैसे कुछ नहीं ये है, अमेरिकन बुली का बिहेवियर ही बस है ये। एक्चुअली। मैं भी आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। अभी हफ्ता पहले मेरे एक फ्रेंड थे, वो अमेरिका चले गए, बुली लगभग 10 महीने का, जी ब्लू बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन आपका बहुत बढ़िया है, उन्होंने थोड़ा सा डिवॉर्मिंग जी वगैरह नहीं की, उतना ग्रोथ नहीं किया। वो मैं पहले अपने जी केज में रखा, तो मैं अकेला ही उसको घुमाता था, वॉक करा कर फिर केज में बंद कर देना। अभी धीरे धीरे जो मेरे हेल्पर हैं, मेरे फार्म में मेरे साथ काम करते हैं, वो भी बोलते हैं अमेरिकन बुली काटता नहीं है किसी को, लेकिन अगर आप डरोगे तो वो डराएगा। जी कॉन्फिडेंस से उसके पास चले जाओ। वह पिटबुल की तरह कोई ऐसी ब्रीड नहीं होती कि वो हर किसी पर हर टाइम ही काटे, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस वो चेक चेक करते हैं। जी 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 और एक और चीज, जैसे बाहर कुत्ते जो होते हैं उनपे वो बिल्कुल नहीं भौंकता है, थोड़ा कि कुछ ये कुछ, क्योंकि काफी देखो पास भी आ अमेरिकन जाते हैं बुली तो है ना मुझे सर स्टिक ये, लेके। हाँ अमेरिकन बुली जो है ये कोई मान लो जैसे मैंने पहले कहा कि पिटबुल की तरह बिल्कुल नहीं है, बहुत एक गार्ड डॉग माना गया है इसको अमेरिका में। तो इसको जो थेरेपी जो जॉइंट प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ घुटनों की सर्जरी वगैरह होती है ना, तो वॉक के लिए पेशेंट के साथ जी, अमेरिकन बुली को यूज किया जाता है उनकी प्रैक्टिस के लिए। तो ओके, बुली ब्रीड काफी सेंसिबल ओके, ब्रीड होती है ये, मान लो एक हाथी की तरह है, अपनी चाल चलता रहता है मस्त से, कुत्ते भौंकते नहीं। ये बिल्कुल ही भी मान लीजिए कि ये नहीं है कि पिटबुल की तरह कोई एक बार भौंका तो ये 10 बार उस पर फाइट करने जाएगा। नो, ये अपना मूडी डॉग है, इसको दीन दुनिया से कोई नहीं, अपने जी, मालिक और अपनी लैंड जहां रहता है उसको ही प्रोटेक्ट करने में इसका है, ज्यादा बाहर ये को लेना देना नहीं है इसका। ओके, ठीक अगर है, कुछ तो बुली अभी ऐसे मैं ये होते बोन हैं, बिल्डर बंद कर दूं? नहीं, ये हमारे फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आप अगर ऐड करना है तो इसके साथ, एक बार अगर हमें कलाक से बीपर कंपनी से रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मैंने अभी ये वाली मैनकाइंड कंपनी की है और जी जी ये जी वाली इंटास कंपनी का है, जी इनमें से कोई भी जी ट्राई कीजिए, जो भी आपके, मैं पहले कहूंगा ये वाला ट्राई कीजिए, मैनकाइंड वाला, इसका रिजल्ट बहुत ओके, अच्छा है। जी, लाइट बंद करूँ? हाँ, ओके। तो तो फिर देखते हैं आप मुझे वैसे व्हाट्सएप। अभी बोन बिल्डर, हाँ अभी बोन बिल्डर वो मैंने जस्ट अभी शुरू किया है, तो अभी पहले मैं चेक करूं या पहले वो ही ले लूं, वो वाला जो कैल्सियम पैड बोला है आपने? आप, मैं साथ में भी चला सकते हो, कोई बुरा नहीं है। ओके,
हमारा डॉग वैसे पहले बहुत बढ़िया वूम है, तो लेकिन प्लीज इसका पहले एक्सरा हमें कराइए कि इसके जॉइंट्स में वो गैप बैक टू नॉर्मल वाली पोजीशन में आने का ऑप्शन है या इफ ऑलरेडी वहां वो जगह फिल अप हो चुकी है, जो स्पेस से अच्छा फिल अप हो गई होगी तो फिर ठीक नहीं पाएगा, फिर उसका कोई हल सोचेंगे, पहले एक्सरे में ये सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपने कभी सुना होगा जो गांव में पहले क्या है, कभी किसी का जॉइंट डिसलोकेटेड हो गया ना, तो वो गांव में जैसे होम रेमेडी के साथ थेरेपी नहीं करते, वो जॉइंट दोबारा चढ़ा देते थे, लेकिन अगर प्रॉपर पोजीशन पर नहीं आया तो वो जो कैल्शियम की हड्डी टूट जाती थी, तो फिर पूरी उम्र थोड़ी सा बाजू टेढ़ा ही रहता है। दैट सेम थेरेपी विद डॉग, तो पहले हमें एक्सरे से वो क्लियर हो जाएगा कि इसके वो जगह फील अप ऑलरेडी हो चुकी या स्पेस है, या मैं वो कैसे वो जगह दोबारा खाली करनी है। और एक्सरे का अराउंड कॉस्ट कितना होगा? सर सरकारी हॉस्पिटल में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। ओके नहीं अगर नॉर्मल भी जाते हैं, अगर गवर्नमेंट में काफी ज्यादा टाइम लगता है क्या है, देखो अभी क्योंकि बहुत सारे बताते हैं, नहीं सर अराउंड 100 रुपीस खर्चा आएगा, कितना है आई थिंक आएगा, बस उनकी मशीन चल रही हो, सरकारी हमारी मशीन ज्यादातर बंद ही रहती है, तो मशीन अगर चल रही होगी तो वो 10-20 रुपए का वो बाहर जो कितना, क्योंकि कुछ लोग 2000 बोल देते हैं, कुछ 1500 ऐसे कुछ ही बोल, आप एनिमल जो भी आपके नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां जाइए, हमारी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है हमारे लिए भी, ये नहीं प्राइवेट ही सब कुछ करना है, आप जाइए, मेरे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। यहाँ पंजाब में अराउंड 150 खर्चा आता है एक एक्सरे का, अगर भगवान ना करे फीमेल मिस कर जाए या किसी के मन में डाउट हो कि उसके पेट में बच्चे हैं या नहीं है। जी ओके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, ज्यादा महंगा नहीं है सर। और जो इसके आइस पे हो रहा है काफी टाइम हो गया, अराउंड शायद 4 महीने हो गए होंगे, 3-4 महीने हो गए हैं, तो ये ठीक तो हो जाएगा ना? ये हो जाएगा, जो मैंने ये 7 days आप ये मेडिसिन ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद मुझे उसकी कोई स्नैप लेकर मुझे सेंड करना। मुझे वैसे किसी ने बोला था वो रीड आता है ना एक बार रीड, तो मैंने रीड डबल डी करके आता है। हाँ सर वो रीड ज्यादातर टिक्स के ऊपर काम करता है, काफी हार्ड होता है। हाँ वो काफी हार्श होता है, तो मैंने बहुत ही लाइट क्वांटिटी में पानी के साथ मिक्स करके वहां लगाया था, किसी ने बोला था। तो फिर इसके बाल आ तो गए थे थोड़े थोड़े, बहुत जल्दी अगले दिन ही या 2 दिन में ही दिखने लगा था, बट डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया, तो मैंने फिर वो छोड़ दिया। काफी डेंजरस चीज होती है सर, वो सही माने में यूज किया नहीं जाता, तो आप पहले ये ट्राई करके देखते हैं एंड देन आप मुझे दोबारा बताना अगर कोई बात ना बने तो। आफ्टर 7 days का कोर्स है, बस न्यू मैक का 1 दिन गैप छोड़ देना है और सेफ पैट कंटिन्यू चलाना है और केस्किन कंटिन्यू लगाइए दिन में 2 बार। ओके अच्छा ये डीवॉर्मिंग का भी इसका टाइम आ गया, तो वो मैं कैसे दूं, अभी दूं या सेफ पैट वगैरह जब टाइम दे रहा हूं तो कोई मच बेटर है कि मेडिसिन चलाने से पहले डीवॉर्मिंग कीजिए, तब मेडिसिन और भी बेटर तरीके से अपना काम करता है। ठीक है फिर मैं डीवॉर्मिंग कल दे देता हूं। ठीक है ये जो आप बाकी की रिकॉर्डिंग है ये सर इसमें बोल दें, आप बोलो, वो बहुत जरूरी है, सुन ही रहे हैं सभी, तो ये लाइव शो के लिए तो है ही है और इसके साथ में हमारे बाकी के जो YouTube फ्रेंड्स हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है। फ्रेंड्स हम बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो लाइव शो में हम वो देते हैं ना फैन ऑफ द मंथ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो भी बंदा विनर होता है उसकी हमारे पास डिटेल नहीं पहुंच पा रही है, तो लास्ट मंथ में हमारा एक विनर रह गया था और इस मंथ तो हमारे पास किसी भी डिटेल अभी तक पहुंची नहीं और आज 20 तारीख हो गई और आज 20 तारीख हो गई है। तो फ्रेंड्स जो भी जैसे कोई फेसबुक पे जैसे जिसने जीता तो उसको उसके फेसबुक मैसेंजर में उसको मैसेज आता है, तो आप यूट्यूब पे प्लीज कमेंट मत करिए, ऐसे तो कोई भी यूट्यूब पे कमेंट कर देगा कि ये तो मेरा वाउचर है जी, तो हम उससे नहीं देते हैं क्योंकि हम उसको ऑथेंटिकेटेड नहीं मानते हैं। तो अगर फेसबुक पे आपका विनर निकला है तो सबसे पहले आप फेसबुक पे अपना प्रोफाइल चेक करिए और उसमें ही रिप्लाई करिए हमें बैक, और इसके अलावा अगर ट्विटर पे आप जीते हैं तो ट्विटर पे मैसेज हमें बैक करिए, और अगर यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे जिस
जिस कमेंट में आपको मैंने बताया है कि आप विनर हैं उसी कमेंट में आप हमें रिप्लाई बैक करें, क्योंकि तो और जगह नाम और है और जगह नाम और है, और पिछले मंथ में एक विनर थे उनका नाम मुझे भूल गया, वो फेसबुक में जीते थे और यूट्यूब पे उनका बार बार कमेंट आ रहा है मेरा नाम वहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो प्लीज अगर आपका नाम वहाँ पे ऐसे है तो आप वहाँ से हमें मैसेज कर दीजिए, जिस प्लेटफॉर्म पर आप जीते हो प्लीज उसी प्लेटफॉर्म पर उसी आईडी यूज कर कर हमें तो हमें श्योर होगा कि आप ही हो। यस, तो ये एक जरूरी मैसेज था और होप हम नेक्स्ट वीडियोस में भी ये मैसेज डिलीवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी ऐप का अपडेट आने वाला है सुबह में, और वो हम आप ऐप अपडेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम ये कैटेगरी बिल्कुल बदल देंगे कर देंगे और एप्लीकेशन के थ्रू ही सबको, यस, ताकि ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए, क्योंकि एप्लीकेशन में क्या है कि हमारे जब सब्सक्राइबर्स लॉग इन करेंगे तभी हमारे पास वो डिटेल पहले से पहुंच जाएगी, तो ये फ्रेंड्स मैसेज था सबके लिए और सभी एंजॉय करें एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड और नाइस इवनिंग एंड हेल्थी वंडरफुल डे टुमारो। क्वेश्चन है सर मोहित सर का, ओके सर, ये बोन बिल्डर में जैसे अभी इसका है मीडियम साइज डॉग्स के लिए 2 मेजरिंग स्पूनफुल्स है, हाँ हाँ, जब आप बॉक्स इसके अंदर आपने कोई स्पून निकला जब आपने ओपन किया इसको, स्पून है जी जी जी, बस उसी उसी को फॉलो करना है, तो ये जैसे ये मतलब पाउडर है तो इसको देना है कैसे, मैं तो इसके मुंह में डालता हूँ तो ये काफी दिक्कत, नहीं 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 ये खाने के ऊपर डाला जाता है जो ब्रेकफास्ट डॉग का हो गया या डिनर हो गया, फिर ये खाना नहीं खाएगा, नहीं इसका टेस्ट खाना नहीं खाएगा, फिर ये उस जगह को छोड़, टेस्ट इतना बुरा नहीं है, आपने ट्राई किया नहीं, कैल्क टैबलेट बहुत अच्छा, ये कैल्क, हाँ कैल्क टैबलेट तो बहुत अच्छे से खाता था लेकिन इसका टेस्ट इसको पसंद नहीं आ रहा है। ये डॉगी भी बहुत मूडी होते हैं, चलो आप ट्राई करो, नहीं तो फिर आप ये स्टॉप कर देना और जो कैल्शियम मैंने आपको दिखाई वो ट्राई करना, एंड एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट एक्सरे की फोटोकॉपी मुझे जरूर व्हाट्सएप पर सेंड करना सर, या हमारी मेल कल ऐप चालू हो जाएगी तो ऐप में सेंड कर देना प्लीज, और वो जो उसका लिक्विड डोज तो उसमें मेंशन होगा ना, चालू हो जाएगी, हाँ जी उसमें लिक्विड डोज तो है ना, हाँ बिल्कुल सर लिखा है, जब आप लेकर आओगे बिल्कुल मेंशन किया हुआ है, अगर तो मैं इसको एक्स्ट्रा एज आपने जैसा बोला उसको एक्स्ट्रा दूं तो मैं एज एक्स्ट्रा इसको देता रहता हूं बीच में, लेकिन पहले एक बार मैं जैसे आपने बोला दो दो चम्मच, लेकिन सर एक बार एक्सरे की रिपोर्ट जरूर ले लेना प्लीज, कल तो संडे है बंद होगा और मंडे शायद मकर संक्रांति है लेकिन आई थिंक हॉलीडे नहीं है तो वो ओपन होगा हॉस्पिटल, हां जी ठीक है ओके सर, ओके थैंक यू, हां जी सर, मुझे कुछ पूछना है सर, हां जी सर बोलिए सर, मुझे पूछा था ये विटामिन का क्या करूं, इसे दूं कि इसे बंद करूं, नहीं विटामिन वाला ये बहुत अच्छे हैं दीजिए इसको, हाँ बहुत बढ़िया कंपनी के हैं दीजिए सर, ये भी अभी 1 कैप्सूल दे रहा हूं, तो कितना दूं अभी, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम सर, एक बात जो आपने बोला वो और एक बात ये जो आपने बोला कर्ड में मिला के देने के लिए डीवर्मिंग का टेबलेट, वो दही कर्ड ले लीजिए, तो मतलब उसमें पूरा घुला दूं, उसमें पूरा मिक्स कर दूं, वैसे से टैबलेट अगर आप हाथ से तोड़ भी दोगे या मैश कर दोगे किसी चीज के साथ वो भी उसमें डाल, अगर आपका डॉग टैबलेट खाता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर वो टैबलेट नहीं खाता तब आपको तोड़ना पड़ेगा, फिर नो प्रॉब्लम, नहीं वो टैबलेट खा लेता है सर, बस नो प्रॉब्लम सर, फिर आप दे सकते हो, तो कार्ड में डाल के दे दूंगा सेव, यस क्या सर कैल्शियम मल्टीविटामिन की बात कर रहे हो सर, ये जो जो विटामिन और कैल्शियम है ये सर हम जब जी सर मान लीजिए सुबह करेंगे तो सुबह एक टाइम मत देना, शाम को बैक टू नॉर्मल आप दे सकते हो, जी सर ठीक है सर, ओके सर, ओके बाय, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू सर, बाय, हैप्पी मकर संक्रांति सर, ये